अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मौसम की ठंडक को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का व्लॉग जनाब स्टार्ट हो रहा है मेरे ब्रेकफास्ट से, और ब्रेकफास्ट में आज मैं सिंपल एक स्लाइस ले रही हूँ ब्रेड का, और साथ में एक अंडा, और साथ में मज़ेदार सी भाप उड़ाती हुई चाय। तो बस नाश्ते से फ़ारिग होके मेरे कुछ मसाले जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। इससे पहले मैंने काली मिर्चें जो थी वो पीस के रखी थी, और अब मैं जो हूँ गरम साबत मसाला जो है इसको पीस के रखूँगी। लेकिन इसको पीसने से पहले इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था जैसे 1 से 2 मिनट, ताकि इसका सारा मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जब ये ठंडा हो गया तो फिर मैंने जो था ना इसको ग्राइंड कर लिया, और सेम इसी पैटर्न पर मैंने काली मिर्चें भी ग्राइंड की थी। मतलब पहले उनको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, फिर उनको ठंडा होने दिया था, और फिर उसके बाद मैंने ग्राइंड करके रख लिया था। और वो तो मैंने क्लिप जो था शूट नहीं किया, लेकिन ये अब आप देखें। और इसमें से इस टाइम पे इतना फ्रेश एरोमा आ रहा था ना, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बाकी मसाले तो ठीक है हम बाज़ार से ही लेते हैं, लेकिन ये जो पिसे हुए मसाले होते हैं ना, ये अगर आप घर में पीसेंगे तो आपको इसका एक बड़ा जो है ना विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। तो जनाब बस इस काम से फारिग होके, अच्छा मैं ये बताना बिल्कुल भूल गई कि ये व्लॉग जो है ये वीकेंड का है। उसके बाद फिर मैंने जो था कीवी कट किया था, और कीवी के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मतलब जाहिर है सारे फ्रूट के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस टाइम पे मैं पर्टिकुलरली कीवी की बात करूँगी। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। उसके अलावा ये है कि ये विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो बस मेरे हस्बैंड जो हैं वो छत पे मेरे लिए स्टेपर बना रहे थे। स्टेपर किस लिए बना रहे थे, क्योंकि कैबिनेट्स के जो ऊपर वाले पार्ट हैं ना, कंपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँचता। तो बस मैं उनको फ्रूट दे के नीचे आई तो मेरे काफ़ी दिनों के पार्सल्स आए रखे थे दराज से, मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी तो मैंने उनको अनबॉक्स किया। सबसे पहले ये 178 का था, और ये मैंने एक ना कॉम्पैक्ट पाउडर, फेस पाउडर मंगवाया था, ठीक है। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, और क्योंकि बहुत ही कम रेंज में था ये, इसलिए फिर मैंने ऑर्डर कर दिया, और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत स्मार्ट है, आप आराम से बैग में रख सकते हैं। दूसरा पार्सल जो है इसकी अमाउंट थी 247, और हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं ओपन करके कि इसके अंदर क्या है। तो जनाब ये इस तरह से पैकिंग में आया था, पैकिंग अच्छी थी इसकी काफ़ी। और इसमें ये मैंने दो आई शेड्स जो थे ना, ये मिनी आई शेड पैलेट, ये मैंने ऑर्डर किए थे। इनकी क्वालिटी बस नॉर्मल थी, बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत बुरे भी नहीं थे, इस रेंज में ठीक थे जितने थे। एक मैंने पिंक में लिया था ज़रा नेचुरल में जाने के लिए, और एक मैंने जो था ना थोड़ा ब्लैक में लिया था, ताकि अगर कभी स्मोकी आइज़ वगैरह करनी हो तो फिर ये इस्तेमाल हो जाएंगे। उन दो के अलावा ये 5 पार्सल और भी मेरे रखे हुए थे। आप यकीन करें बच्चों में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं चीज़ें मंगवा के इवन अनबॉक्स ही कर लूं। और ये है जी 208 है इसकी अमाउंट, और ये मैंने एक ट्राईपॉड स्टैंड जो था वो ऑर्डर किया था, गुरिल्ला ट्राईपॉड स्टैंड, क्योंकि मुझे ट्राईपॉड स्टैंड अभी एक और भी मंगवाना है। ट्राईपॉड स्टैंड के बगैर हाथ में पकड़ पकड़ के व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है। और अब यहाँ से आप देखेंगे कि व्लॉग कितना स्मूथ हो गया, क्योंकि मैंने उस ट्राईपॉड स्टैंड में जो था ना अपना मोबाइल अब लगा दिया था, और वो अच्छा था इस प्राइस रेंज में, काफ़ी अच्छा है। और मैंने कलर इस दफ़ा उसका वाइन रेड मंगवाया था। उसके बाद जी ये अगला पार्सल हम खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। और ये है जी बेसिकली मैंने एक डिटेंगल हेयर ब्रश जो है ना ये वो मंगवाया था, और ये काफ़ी छोटा है, पाम साइज़ का है, ट्रैवलिंग वगैरह में आसानी है। और क्वालिटी इसकी जो है ना नीदर गुड नॉर बैड, बस नॉर्मल सा था, एवरेज ही था। और उसके अलावा जी ये तीसरा पार्सल है हमारा 300 का, और ये देखते हैं। ये एक मैंने जो है ना लीव ऑन कंडीशनर मंगवाया था, क्योंकि इन दिनों में बाल इतने रफ़ और फ्रिजी हुए हुए हैं ना, तो ये ईडन रॉक थी कोई कंपनी, और इसके क्योंकि अच्छे थे रिव्यूज़ तो मैंने मंगवा लिया। और इसका जो है मैं जो इसको रिव्यू करूँगी वो मैं करूँगी तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद, क्योंकि हम कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो इतना टाइम लगता है उसको अपना काम करने के लिए। फ़र्स्ट में तो मेरा ख्याल है फ़र्स्ट एप्लीकेशन में तो रिज़ल्ट्स ज़रा कम ही आते हैं। तो लेकिन ये कि इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी थी। अच्छा उससे अगला जो है ये 818 का, ये मैंने एक मेमोरी कार्ड मंगवाया था बेसिकली, और ये मेमोरी कार्ड जो था ना ये 64 GB है, और इसमें जो थे दो इसके साथ ना कार्ड रीडर उन्होंने गिफ्ट में दिए थे, मतलब फ्री दिए थे। और पिछली दफ़ा जब मैंने ऑर्डर किया था वो भी इसी रेंज का था, 850 का था आई गेस, और वो भी 64 GB का ही था, लेकिन वो करप्टेड था, लेकिन ये वाला जो है ये चल गया, ये ठीक था।
उसके अलावा जी ये है 439 का। ये 439 में मैंने क्या मंगवाया था, ये मैंने मोबाइल कवर्स मंगवाए थे और ये मैंने दो मंगवा लिए थे क्योंकि डिलीवरी चार्जेस आपको पता है कि फिर दोनों पे एक ही पड़ते हैं, तो और इसकी ज़रूरत भी रहती है मुझे, तो इसलिए मैंने ये दो मंगवा लिए थे। और ये दोनों बहुत खूबसूरत कलर्स हैं, एक लाइट ग्रीन है और एक ये जो है ना मेहंदी ग्रीन है, तो ये दोनों मेरी तरफ़ से तो हाईली रिकमेंडेड हैं, ये बहुत खूबसूरत थे दोनों। और उसके अलावा मैंने और क्या ऑर्डर किया था जी, उसके अलावा मैंने कुछ फ्रोज़न फूड ऑर्डर किया था। ये कहाँ से किया था, ये है घर से घर तक इनका फेसबुक पेज है। इससे पहले मैंने अल निसार फ्रोज़न फूड से ऑर्डर किया था, उनकी टेस्ट मतलब कुछ चीज़ों का अच्छा था कुछ चीज़ों का अच्छा नहीं था, लेकिन इनके भी रिव्यूज़ बड़े अच्छे थे, तो मैंने ये सोचा कि चले मैं इस दफ़ा इनको ट्राई करती हूँ। और इनका पहले मैं आपको टोटल बिल दिखा देती हूँ, इनकी ये एक डील चल रही थी क्रिस्पी कबाबी डील, ठीक है, ये 1220 इसकी प्राइस थी और 100 रुपीज़ 99 रुपीज़ मतलब इन्होंने डिलीवरी चार्जेस इसमें ऐड किए थे, तो ये टोटल बिल बना था 1320। और ये है घर से घर तक, और विद इन जो है 2 डेज़ इनकी डिलीवरी आ गई थी। और इनकी पैकिंग जो थी वो बहुत बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अल निसार फ्रोज़न फूड। अच्छा मैं बता दूं जी कि मैंने ये पे किया हुआ है दोनों को, तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद से पैसे खर्च करके चीज़ें मंगवाई हैं, इसलिए मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ। अच्छा ये जिसके इस डील में क्या थे, इसमें 12 पीसेस थे चिकन रेशमी कबाब के जिसकी ओरिजिनल प्राइस थी 520। और ये अच्छा है कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट दोनों इस पे मेंशन है। अभी तक मैंने ये खाए नहीं है, टेस्ट नहीं किए, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मैं, क्योंकि कल इनमें से कुछ चीज़ें करूँगी ट्राई, फिर मैं इनका जो है ना टेस्ट वाइज बताऊँगी कि ये कैसी थी, लेकिन ये है कि इनकी पैकिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी। उसके अलावा जी इसमें दूसरी चीज़ जो थी वो थे हमारे मैं बताती हूँ आपको, हॉट शॉट्स। अच्छा ये 500 ग्राम हॉट शॉट्स थे जिसकी ओरिजिनल प्राइस थी 599, मतलब 600 ही समझ लें। और वो देखें इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और साथ में एक्सपायरी डेट दोनों ही मेंशन है। मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी थी कि एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, हम मतलब एट टाइम्स ये भी होता है ना फ्रीज़र में रख के चीज़ें भूल गए हैं, तो एक्सपायरी डेट लिखी हो तो फिर आपको पता होता है कि ये एक्सपायर हो गए हैं या नहीं। अच्छा और इस डील में आखिरी चीज़ थी नगेट्स, चिकन नगेट्स थे ये, और ये 18 पीसेस थे और इनकी ओरिजिनल प्राइस थी 360, लेकिन ये वही कि मुझे 1220 में सारी चीज़ें मिली थी और 100 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस थे। तो जी ये चीज़ें फिर मैंने फ्रीज़र में रखी, और आज खाने की छुट्टी है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं एक शादी पे, तो बस इसके बाद फिर जो है ना हम लोगों ने तैयारी शुरू की और फिर हम लोग जो है शादी के लिए निकल गए। तो आप लोग सुनाएं, शादियां चल रही हैं ज़ोरों शोर से, हर वीकेंड पे माशाल्लाह कोई ना कोई शादी होती है, और मौसम बहुत अच्छा हो गया, मतलब बारिशें अब तो शुरू हो चुकी हैं, जब तक मैं अब ये कर रही हूँ ना वॉइस ओवर तो अभी भी मेरी खिड़की में बारिश की आवाज़ आ रही है। मुझे बारिशें, सर्दी, धुंध बहुत बहुत पसंद है, तो पता है आपका मूड फ्रेश हो जाता है मौसम अच्छा हो तो, और शादियों का भी इसी सीज़न में मज़ा आता है, गर्मियों की शादियाँ तो बस ना पूछें। तो जनाब ये देखें, ये अब हम लोग निकल गए थे शादी के लिए, और बहुत कम मैं व्लॉग शूट कर सकी थी क्योंकि शावेज़ का जो है ना कुछ आज मूड ठीक नहीं था, तो मेरा मोबाइल उसके पास ही ज़्यादा रहा। तो ये एंट्रेंस थी, एंट्रेंस माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनी हुई थी, दोनों साइडों पर मिरर्स थे। अच्छा और सेल्फ़ी का इतना ट्रेंड है कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ पे जितनी बच्चियाँ, जितने बच्चे, जितने लड़के लड़कियाँ, सब लोग सेल्फीज़ लेने में बिज़ी थे। और ये मेरा ड्रेस है लेकिन उस तरह से नज़र नहीं आ सका, ये गोटे का सारा बना हुआ था, आगे मैं पिक्चर्स शेयर कर देती हूँ। और ये जो है, ये सारे जो थी ना मार्की, उसके अंदर का ये सेटअप है, इस तरह से उन्होंने फ्लावर्स के जो अर्न्स थे वो जगह जगह पे रखे हुए थे, एंट्रेंस बड़ी खूबसूरत बनाई हुई थी। और अच्छा ये लाइट्स बड़ी अच्छी लग रही थी, मुझे तो वैसे भी ज़रा कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो ये लाइट्स जो थी ना ये बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और आई एम सो सॉरी मैं आगे जाके स्टेज को उस तरह से नहीं कवर कर सकी, तो बस यहीं से ही देख लीजिए। और ये क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने हानिया को ये ना एक इसका वूल वाला सेट था ये पहना दिया, और ये इसके बाबा ने इसको उठाया हुआ, और ये हानिया को मेरे हस्बैंड की एक कुलीग ने गिफ्ट किया था, तो ये वाला जो हानिया का ड्रेस है। और अब मैं आपको अपनी लुक दिखा देती हूँ, शावेज़ को आज मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि वो बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा था मेरे में, और मेकअप जो था वो मैंने ज़रा कम ही किया था क्योंकि करीबी शादियां हो ना तो फिर ज़रा ज़्यादा मेकअप वगैरह अच्छा लगता है, दूर की शादियां, ये भी हमारे नेबर्स थे जिनके बेटे की शादी थी तो फिर उतना अच्छा नहीं लगता। तो जी ये उन्होंने शुरू में जंपिंग कैसल भी लगाया हुआ था,
और खाना थोड़ा सा लेट था, हम लोग जल्दी खाने वालों को तो बहुत भूख लग गई थी। खाने में क्या था मैं आपको बता देती हूँ। खाने में जो है ना, सबसे पहले उन्होंने एज अ स्टार्टर सूप सर्व किया था। अगेन आई एम सॉरी कि मैं नहीं उसको शूट कर सकी क्योंकि शावेज़ मुसलसल मोबाइल पे था। अच्छा, इस शादी वाले दिन जो वो जंपिंग कैसल पे भी नहीं जा रहा था। तो उसके अलावा खाने में था जी चिकन था, चिकन कोरमा बना हुआ था। उसके अलावा मटन पालक था का सालन था, चिकन रोस्ट था, सैलड रायता, रशियन सैलड भी था। उसके अलावा आलू बुखारे की चटनी बड़ी मज़ेदार थी, और गाजर का हलवा था, और कश्मीरी चाय थी। और बस जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।